सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इतने सारे आईपीओस इतने शॉर्ट टाइम में क्यों आ रहे हैं। अगर हम लास्ट वन वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 आईपीओस आ चुके हैं, एंड अगर हम लास्ट 6 टू 1 ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 आईपीओस ऑलरेडी आ चुके हैं इन द स्टॉक मार्केट। एंड ये बहुत ज्यादा आईपीओ है जो आ रहे हैं। इसका मेन रीजन है मार्केट का प्रेजेंट पोजीशन। जब भी मार्केट बुल होता है, यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा अपसाइड होता है, तो सभी आईपीओस को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो सभी कंपनीज चाहते हैं उस टाइम पे आईपीओ को लाए जब मार्केट का पोजीशन बहुत अच्छा हो। एंड जब मार्केट गिरता है, मार्केट में बेयरिशनेस आ जाता है, मार्केट को लेकर लोग पैनिक में आ जाते हैं, तब कोई भी आईपीओ सक्सेसफुली लिस्ट नहीं हो सकता। इसीलिए सभी कंपनीज चाहते हैं उस टाइम मार्केट में आईपीओ को ले आए जब मार्केट में सेंटिमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यही हो रहा है इस दैट पर्टिकुलर टाइम। कोविड के कारण बहुत सारे आईपीओ से जो कैंसिल हो गए थे, इसीलिए बहुत सारे आईपीओ जो है वो इस टाइम मार्केट पे आ रहा है। एंड एनबीएफसी जो है वो इस आईपीओ को फंडिंग भी कर रहे हैं, वो और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को टू इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। लेकिन 500-600 करोड़ के आईपीओ के लिए 1 लाख करोड़ ब्लॉक करना कोई फायदे का सौदा नहीं है। ये एक यूफोरिया है। जब तक ये यूफोरिया चलेगा, लोग इसी तरह से आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। आईपीओ को अच्छा वैल्यूएशन भी मिलेगा, अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिलेगा। जब यूफोरिया खत्म हो जाएगा, तब आईपीओ लिस्ट होने के बाद उस पे हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखेंगे, एंड शायद उतना अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को ना मिले जितना वो लिस्टिंग गेन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लास्ट वन वीक की बात करें तो इसमें अनुपम लिमिटेड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, कल्याण ज्वेलर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेके बहुत सारे कंपनीज लिस्ट हो चुके हैं। बहुत सारे कंपनीज का आईपीओ हमने देखा है। सो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए जिसका वैल्यूएशन आपको अच्छा लगे, जिस कंपनी पे ग्रोथ आपको अच्छा लगे। इन सभी आईपीओ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। एंड उसी आईपीओ को चुने जिसमें आपको ज्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सारे ऑलरेडी प्री लिस्टेड स्टॉक है जो कि ट्रस्टेड भी है, एंड बहुत सारे इन्वेस्टर उस पर भरोसा भी करते हैं। तो आप किसी भी प्री लिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाइए। एंड अगर आप आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन इट्स ओके। जब आपको लिस्टिंग गेन मिले, आप आईपीओ से एग्जिट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी है जो कि बहुत पॉपुलर और फेमस भी है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। स्टॉक मार्केट पे सभी कंपनीज लिस्ट नहीं होते। जिनको कैपिटल का जरूरत पड़ता है, अगर उनके प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करना चाहते हैं, तभी वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में लिस्ट होते हैं। मार्केट पे लिस्ट होना कोई खराब बात नहीं है। जितना ज्यादा कंपनीज आईपीओ के जरिए मार्केट पे लिस्ट होगा, उतना ज्यादा स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, एंड स्टॉक मार्केट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा फॉर न्यू इन्वेस्टर एज वेल। सो ये थे आज का स्टोरी, किस लिए आईपीओ लिस्ट हो रहा है, एंड आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करने के बाद ही आईपीओ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।